हे व्हाट्सअप गाइस, मेरा नाम है शुभम और आज हमारे पास है एक नया स्पीकर जो कि है ज़ेब्रोनिक ज़ेब डिलाइट। ये है 5 वॉट का आरजीबी स्पीकर। गाइस, इसके अंदर आपको काफी ज्यादा कूल फंक्शन देखने मिल जाते हैं, जैसे कि इसके अंदर आपको TWS के फंक्शन देखने मिल जाते हैं, कॉलिंग का फंक्शन दिया हुआ है, और जैसे कि मैंने बताया था कि इसके अंदर आपको RGB मिल जाता है, वो भी काफी कम प्राइस में। मैंने इसको परचेस किया था Amazon से लगभग 719 रुपीस में, बाय इन डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, एक बार आप जाके सिंपल सा चेकआउट कर सकते हो। बट उससे पहले चलते फटाफट से इसको अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं इसके बॉक्स के अंदर से हमें क्या क्या चीज देखने मिल जाता है। गाइस, यहाँ पर हमने फाइनली अनबॉक्स कर लिया, सो यहाँ पर हमें टोटल 3 चीज देखने मिल जाता है। उसमें से पहला हमें मिल जाता है एक स्कैनर। ये गाइस मुझे काफी ज्यादा सही लगा है, इसमें आपको कोई मैनुअल इंस्ट्रक्शन नहीं, एक साल की वारंटी नहीं, कोई भी बुकलेट्स देखने नहीं मिलते, सिर्फ और सिर्फ इसको स्कैन करने का और ऑनलाइन जाकर आप इसकी पूरी डिटेल्स के बारे में जान सकते हो, तो ये मुझे काफी ज्यादा सही लगा। और यहाँ पर आपको मिल जाता है USB चार्जर। सो गाइस, अभी फिलहाल के लिए ये सारी चीजें करते हैं साइड में। ये रहा हमारा स्पीकर। सो ये काफी ज्यादा छोटा है, यहाँ पर आपको देखने मिलता रहेगा, आपके हाथ में सिंपल सा कंफर्टेबल हो जाता है, ये काफी ज्यादा छोटा है। यहाँ पर अगर इसके वेट के बारे में बात करें तो ये टोटल 250 ग्राम का आपको देखने मिल जाता है। ऊपर के साइड पे यहाँ पर आपको एक लेस दिया हुआ है, इसको आप चाहे तो कुछ इस टाइप से किधर भी कैरी करके लेके जा सकते हो। सो गाइस, अगर इसकी बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको फ्रंट साइड पे मेटल का ग्रिल देखने मिल जाता है, बीच में ज़ेब्रोनिक का ब्रांडिंग मिल जाता है, और अगर बैक साइड के बारे में बात करें तो बैक साइड पे यहाँ पर आपको मटेरियल प्लास्टिक का मिलता है, और यहाँ पर आपको एक छोटा सा बूफर देखने मिल जाता है, और नीचे के साइड पे एक स्टैंड दिया हुआ है जो कि आप इसको कुछ इस टाइप से इजीली स्टैंड कर सकते हो। बाकी अगर इसके बटन फंक्शंस के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको मोड्स का बटन मिल जाता है, वॉल्यूम कम ज्यादा फॉरवर्ड बैकवर्ड के लिए मिल जाता है, और उसके बाजू में यहाँ पर आपको प्ले पॉज का बटन देखने मिल जाता है, और बैक साइड पे यहाँ पर आपको USB फ्लैश देखने मिल जाता है, SD कार्ड का स्लॉट देखने मिल जाता है, USB पोर्ट, और यहाँ पर आपको मिल जाता है ऑन ऑफ का बटन। सो गाइस, ये थे इसके कुछ फंक्शंस जैसे कि अभी आपने देखे। सो गाइस, अभी चलते फटाफट से इसको ऑन करते हैं और देखते हैं इसकी साउंड क्वालिटी और बेस क्वालिटी यहाँ पर कैसी है। सो करते हैं इसको ऑन। ज़ेब्रोनिक्स फॉर लाइफ Bluetooth mode. So, ये फाइनली हो चुका है ऑन। यहाँ से करते हैं फोन को इसके साथ कनेक्ट कर लेते हैं और देखते हैं इसकी कनेक्टिविटी यहाँ पर कैसे। ये फाइनली हो चुका है कनेक्ट। यहाँ पर आपको फर्स्ट टाइम थोड़ा सा कुछ 15-20 सेकंड का थोड़ा सा टाइम लगेगा, उसके बाद आप जैसे ही ब्लूटूथ को ऑन करोगे ये ऑटोमेटिकली आपके डिवाइस से कनेक्ट हो जाएगा। सो करते हैं यहाँ से एक NCS का सॉन्ग प्ले और देखते हैं इसकी साउंड क्वालिटी यहाँ पर कैसी धूम मचाती है। सो करते हैं next volume.
इसका साउंड क्वालिटी और बेस क्वालिटी जैसे कि अभी आपने देखे। सो यहाँ पर मैंने तीन तीन एनसीएस के म्यूजिक प्ले कर रखे थे जो कि इसका बेस टेस्ट करने का था मुझे, बट इसका जो बेस है ना ये मुझे काफी ज्यादा ऑसम लगा है। जिस प्राइस सेगमेंट में मैंने इसको परचेस किया था मैंने सोचा नहीं था कि इसके अंदर मुझे बेस अच्छा खासा मिलेगा, बट इसके अंदर आपको साउंड के साथ साथ बेस भी काफी ज्यादा ऑसम मिल जाता है। अगर आप एक बजटेबल स्पीकर ढूंढ रहे हो कैरी करने के लिए या फिर ट्रैवलिंग के लिए तो ये मेरे ख्याल से काफी ज्यादा बेस्ट है, क्योंकि इसके अंदर आपको एक अच्छा खासा आरजीबी भी देखने मिल जाता है, बेस देखने मिल जाता है, साउंड देखने मिल जाता है, जो कि बैक साइड पे दिया हुआ है ना बूफर, वो जब आप खरीदोगे तब भी आपको मालूम पड़ने वाला है। अगर आप मेरे शॉर्ट्स वीडियो भी देखते हो तो उसके अंदर मैं दिखाने वाला हूँ कि इसका जो बूफर है ये कैसे वर्क करता है। सो गाइस अभी बात करते हैं इसे कुछ फीचर्स के बारे में। ये वाले स्पीकर को आपको नॉर्मली चार्ज करना है सिर्फ 3 आवर्स तक, और इसकी जो बैटरी लाइफ है ये आपको 11 आवर्स की मिल जाती है, वो भी अगर आप जो है 15% वॉल्यूम पे सुनते हो और आरजीबी लाइट को ऑफ करके, तो यहाँ पर आपको काफी अच्छा खासा बैटरी लाइफ देखने मिल जाता है। और बाकी अगर आप जो है 50% के ऊपर और आरजीबी लाइट को ऑन करके सुनते हो तो आपको जो है 2-3 घंटे की आपको जो इसकी बैटरी लाइफ देखने मिल जाती है। बाकी इसके अंदर आपको मल्टीपल कनेक्टिविटी का ऑप्शन मिल जाता है, जैसे कि यहाँ पर आपको यूएसबी का पोर्ट मिल जाता है, ब्लूटूथ मिल जाता है, एफएम रेडियो, और साथ ही में यहाँ पर माइक्रो एसडी कार्ड जिसके अंदर आप 32 GB का मेमोरी इंपोर्ट कर सकते हो। बाकी ये तीन तीन कलर में अवेलेबल है, ब्लैक, ग्रीन और ब्लू, और ये तीनों का प्राइस सेम ही है। आप लोग डेफिनेटली ले सकते हो, बाय लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, सिंपल से क्लिक करो और जाके बाय करो। सो ये वाला स्पीकर मुझे काफी ज्यादा सही लगा है, काफी कम प्राइस में यहाँ पर आपको साउंड, बेस और आरजीबी लाइट देखने मिल जाते हैं, वो भी बहुत ही अच्छी तरीके से वर्क कर रहे हैं, तो आप इसको डेफिनेटली परचेस कर सकते हो। सो गाइस वीडियो करते हैं इधर ही स्टॉप, आई होप आपको वीडियो काफी सही लगी होगी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।